ये करने वाली हूँ कि मैं करूंगी महक को मैसेज इस तरह से कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ और वो जैसी सीन करेंगे ना मैं डिलीट कर दूंगी। ये महक को मैंने मैसेज कर दिया, तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगे। महक ने देख लिया और मैं ये मैसेज कर दूंगी डिलीट फॉर एवरीवन। अरे कॉल आ गई, कॉल आ गई, कॉल आ गई। थोड़ी देर में बात करूं। अच्छा मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ पर शक करोगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जी आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ अपनी मम्मा के घर आ गई थी कल। आज मेरी रूटीन इस तरह से रही कि मैं क्या बताऊँ कि बस मैं उठी हूँ सुबह, मैंने सहरी करी है, सहरी करके नमाज वगैरह पढ़ के देन मैं सो गई, सोकर उठी, फिर मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, व्लॉग अपलोड किया, मैं वापस से सो गई। और आज मेरी रूटीन इसी तरह रही है, मैं सोई उठी नमाज पढ़ी, सोई उठी नमाज पढ़ी, सोई उठी नमाज पढ़ी। मैं लिटरली पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, शायद मुझे ये एक वो आ रहा है कि बेटा ये आज तुम्हारा आखिरी दिन है सोने का, क्योंकि मंडे से तुम्हें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, मंडे से नहीं कल से, क्योंकि मंडे मेरा पेपर है, पढ़ूंगी तो कल से पढ़ूंगी। आज मैं पूरा दिन वेली बैठी रहूँगी। मिर्ज है यार, मिर्ज है, मिर्ज में तो बंदा कर ही लेता है। लेकिन मसला पता ही क्या है, अभी तो सेमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ था, आप लोग को भी पता है कि मैंने अभी अपने फाइनल्स दिए थे और अभी मैं फाइनल्स से बिल्कुल फारिग हुई थी थोड़े टाइम पहले ही। मेरे ख्याल से फरवरी मेरे फाइनल्स हुए थे, फरवरी में ही ख़त्म हुए थे मेरे फाइनल्स, जनवरी के लास्ट मेरे फाइनल्स ख़त्म हुए थे। एंड देन हमने अपने थोड़ा सा सेमेस्टर ब्रेक मिला, सेमेस्टर ब्रेक के बाद हमारे सेमेस्टर बिल्कुल अभी ही स्टार्ट हुआ था और अभी हमारे मार्च में मिड्स रख दिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ईद के बाद रखना चाहिए था, थोड़ा सा हमें गैप देना चाहिए था, क्योंकि अभी मार्च हमारा 28 या 26 फेब को हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा हमें गैप दे देते, लाइक 1 या 2 मंथ्स का गैप देते, हमारा एक महीने का भी प्रॉपर गैप नहीं आया है। खैर क्या कह सकते हैं स्कूल वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को। तो अभी सीन ये है कि अभी बस अभी मेरी जो मम्मा है और पापा वगैरह भी जो हैं सब तरावी पढ़ने गए हैं और मैं घर में हूँ, तो ये है कि मैं अकेली हूँ। ठीक है, तो अकेली हूँ तो अकेला बंदा तो होता ही शैतान का घर और वैसे ही मेरे इतने शैतानी दिमाग काम करते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। शैतान तो बंद हो चुका है रमज़ानों में, शैतान बंद हो चुका है, लेकिन हमारे जो हरकत है ना वो आप लोगों को पता है ख़त्म नहीं होंगे। तो सीन ये है कि अभी बस मैं यही सोच रही थी कि यार महक के साथ ना आज भी कोई प्रैंक करती हूँ। तो मेरा ये प्रैंक था महक के साथ कब करने का, जब वो गवादर में थे। ठीक है, लेकिन गवादर में पता क्या मसला था कि वहाँ पे सिग्नल्स कम आते थे और सेकेंडली वहाँ पे कोई इंसिडेंट भी हो गया था, इस वजह से मैं वो प्रैंक नहीं कर पाई थी उस वक्त ना। फिर अब आज जब मैं घर पे आई हूँ तो मैंने सोचा यार मैं आज वो प्रैंक कर सकती हूँ, तो आज वो मौका है। 2-3 प्रैंक्स मैंने सोचे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो ये सीन है कि मैं कर सकती हूँ अच्छे अच्छे प्रैंक्स महक के साथ। तो अभी ये है कि अभी जो मैं प्रैंक करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ जो मैंने उस वक्त सोचा हुआ था, मैं ये करने वाली हूँ कि मैं करूँगी महक को मैसेज एक इस तरह से कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, लाइक मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूँ मैसेजेस पे। ठीक है, वैसे महक को मुझ पर शक नहीं होता, लेकिन फिर भी आदमी है, शक कर ही सकता है कि भाई मैं अपने घर पर आई हूँ, किससे बातें कर रही हूँ, क्या है। तो मैं करूँगी कोई ऐसा मैसेज, कोई भी किसी किस्म का मैसेज, कि तुमने कहा था तुम मुझसे बात करोगे, या फिर तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, या कुछ भी ऐसी मैसेज करूँगी और वो जैसी सीन करेंगे ना मैं डिलीट कर दूँगी, डिलीट फॉर एवरीवन कर दूँगी। और जब मैं डिलीट फॉर एवरीवन करूँगी ना तो उन्हें बहुत शक हो जाएगा, होना भी चाहिए, लेकिन देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। तो सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी और आप लोग के सामने होगी, तो बस देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी सीन ये है कि मेरी और महक की अभी चल रही थी बात। ठीक है, अब बात करते करते ना मैं अचानक से मैसेज करूँगी कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। सही है, बात करते करते अचानक से मैसेज करूँगी, क्योंकि यू नो हम बात करते करते अचानक से किसी और को मैसेज कर रहे होते हैं, गलती से चले जाते हैं ना, तो ये मैं करती हूँ इनको कि तुमने कहा था। अरे दिख क्यों नहीं रहा, मैं मोबाइल से इसे पकड़ नहीं पा रही, एक मिनट में सेट कर देती हूँ। ये मैं महक को मैसेज कर रही हूँ, तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगे ये मैंने कर दिया मैसेज महक को। सही है, ये महक को मैंने मैसेज कर दिया, तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगे। ठीक है, ठीक है जी, मैसेज जा चुका है, अब देखते हैं। महक ने देख लिया, महक ने देख लिया महक ने देख लिया और मैं ये मैसेज कर दूंगी डिलीट फॉर एवरीवन। सही है, डिलीट फॉर एवरीवन। Let's see.
अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ ने देख लिया है और एक मिनट तकरीबन गुजर चुका है, माँ का कोई जवाब नहीं आया। स्टिल आई एम वेटिंग, माँ का कोई जवाब नहीं आया है। माँ ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरे पास ऑनलाइन शो होता नहीं है वैसे ना, ऑनलाइन शो का ऑप्शन बंद किया है मैंने। रुके मैं ऑन कर देती हूँ। मैंने ऑनलाइन का ऑप्शन ऑन कर दिया है, महाद अभी ऑनलाइन ही शो रहे हैं, ना कुछ टाइप कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कि कर क्या रहे हैं ये, खुद तो किसी और से बात ही करने लग गए। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कहाँ गए ये गाइस। फाइनली महाद का मैसेज आ गया और महाद का मैसेज वही आया जिसका मुझे शक था, क्या मैसेज डिलीट किया है आपने। बोलती हूँ कुछ नहीं किसी और से। okay. कुछ नहीं। गाइज मैंने माँ को बोला कुछ नहीं, तो इसके बाद इनका आया जवाब दें आप क्या कर रही हैं, ऑनलाइन है, रिप्लाई लेट कर रहे हैं, क्या मैसेज डिलीट किया है आपने। मुझे लगता है इन्होंने मैसेज पढ़ा नहीं है, पता नहीं पढ़े बगैर मैंने डिलीट कर दिया। ये तो नहीं चाहती थी मैं चाहती थी ये पढ़े मैसेज, पढ़े बगैर को डिलीट कर दिया यार मैंने वो तो हट से करूँ ब्राइटनेस आए। अब दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है अब सही दिख रहा होगा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये किससे मिलने की बातें हो रही है। पढ़ लिया बाद में मैसेज, पढ़ लिया क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे यार ये क्यों आ रहा है, आई सॉ योर मैसेज आ गया बेटा, ये मैसेज देख लिया है महाद ने, मतलब के मैसेज देख लिया है महाद ने। कौन मिलने आएगा, अरे कुछ नहीं वो गलती से बस चला गया था मैसेज, पता नहीं आपको कैसे चला गया। नहीं मैं किसी और को नहीं कर रही थी, मैं आपको कर रही थी कि आपने शायद मुझसे कल कहा था ना कि आप मुझसे मिलने आओगे। ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ ऐसे मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखते हैं क्या बोलते हैं, इन्होंने वॉइस नोट सुना है, इन्होंने वॉइस नोट सुनना है और मुझ पर फिर ऐसे करते नहीं है मुझ पर शक। ये अचानक मुझे लग रहा है ही इज़ आउट ऑफ माइंड। वॉट यू मीन बाय दैट ई गाइज के मैं मिलने आऊँगा, आपने कहा था ना कल कि आप मिलने आओगे मुझसे, कहा नहीं था बस आपको ही बोल रही थी ना। दिमाग ठीक है आपका। मुझे लग रहा है ही इज़ बिजी दैट्स वाई ही इज़ नो। अरे कॉल आ गई, आप पागल समझती हैं मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये क्या मसला है भाई, क्या मैसेज चल रहा है ये, क्या मतलब दिमाग ठिकाने पे है आपका, ये ठिकाने पे लगाऊं मैं, कौन सा मैसेज। अरे किसी को नहीं आपको ही कर रही थी, क्या हो गया, क्यों शक कर रहे हैं आप मुझ पे। अच्छा मुझसे अब तुम करके बात करती हो। अरे वो मैं आपसे कभी कभी तुम तो कर लेती हूँ ना, बस वही चल रहा था। अच्छा और आप मुझे कह रही हो कि मैं मिलने आऊंगा, तो आपने मुझे कहा था ना कि बेगम दिमाग ठीक है या नहीं है, किससे बात कर रही थी। यार मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, क्या हो गया। सच बता दे किससे बात कर रही थी, मतलब मैं ना मुझे हंसी आ रही है आपका फिर कॉल आ रही है। हाँ जी वो गलती से कॉल कट गई थी, कुछ ज्यादा गलतियाँ नहीं हो रही आपसे यार, वो बस पता नहीं क्या हो गया अचानक से। क्या कह रही है। अच्छा मैं कह रही थी आ जाए, कोई भी नहीं है घर में, अभी मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो आप आ जाए मेरे, तरावी पढ़ने गए मैं। और आपकी बहन कहाँ है। वो तो अपने घर में होती है ससुराल में, वो कहाँ है यहाँ पे। बताओगी आप हरकतें करके नहीं हो आप। क्या हरकतें, क्या मतलब
आपने किसको मैसेज किया था? मुझे इंसानों की तरह बता दो। यार मैंने आपको ही मैसेज किया था, मैं किसको मैसेज करूंगी? क्यों मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं आप मुझे इस तरह मैसेज करोगी क्यों? मैं किसी और को क्यों करूंगी? जुजू मैं शादीशुदा औरत हूं, मैं क्यों करूंगी किसी और को मैसेज? हां तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं ये मैसेज किसको किया है? जुजू मैंने किसी को नहीं मैसेज किया, मैं आपको ही मैसेज कर रही थी और आपको मैंने गलती से तुम लिख दिया भाई। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको ही मैसेज किया। नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कुछ भी। आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा? अभी बस तो अच्छा आप आओगे या क्या? मतलब नहीं आओगे, थोड़ी देर में मम्मा लोग भी आ जाएंगे। नहीं क्या चाह रही हूँ मैं, अब आप भूल जाओगे मैं आपको देखूंगा। अच्छा मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँ, मैं थोड़ा सा सो गई, मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ ना यार, मेरा दिल चाह रहा है मैं थोड़ा सा सो वो जाऊँ, फिर उसके बाद आराम से उठूँ। मैं आपसे ना 12 बजे तक बात करूँगी। कितना सो रहे आप? मैं आपसे ना 12 बजे तक बात करूँगी। गला दबा दूंगा वहां के, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ना खराब करो। थोड़ी देर में बात करूं? अच्छा क्यों? अभी बस थोड़ा सा ना मोबाइल चार्ज नहीं है। मेरे सामने बातें क्यों कर रही हो? क्या चाह क्या रही हो यार? क्या पागल समझ रहे हो मुझे? अच्छा यार नींद आ रही है ना, नींद उड़ा दूंगा इंसान बन जाओ, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। क्या कर क्या रही हो पागल? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ पे शक करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मुझ पे शक करोगे। इस तरह की हरकतें कर क्यों रही हो यार? जो जो हद हो गई है, किस तरह की हरकत, क्या बोलना चाह रहे हो, किस तरह की हरकत? एक्सप्लेन करते हैं, आपने मैसेज किसको किया? जो जो मैं आपको ही मैसेज कर रही थी। मुझे तुम करके बात नहीं करती और मुझे तुम ये मैसेज करोगी? मैंने कसम से ही मैसेज करा दे आपका जो मुझे ये मैसेज करोगी। कर रही थी किसी को, ठीक है बस। Are you serious? हाँ कर रही थी हूँ मैं किसी से बात, ठीक है। किससे बात कर रही थी? बस एक है इंसान, मजा मैं थप्पड़ लगा दूंगा इंसान। मैं भी आपकी मम्मा को कॉल करके बताता हूँ। मम्मा तरावी, मम्मा जीजू मैं मजाक कर रही हूँ, मम्मा तरावी पढ़ने गई हुई है, ओवर एक्टिंग नहीं करो, मैं प्रैंक कर रही हूँ आपके साथ। मैंने मोबाइल खोला, मैं वीडियो कॉल पे, जरा आ जाओ। शर्म आनी चाहिए, दफा हो जाओ, मुझे बात नहीं करनी आपसे। कॉल काट दी, कॉल काट दी। अबे यार मैं कर रही हूँ वीडियो कॉल मार को। हेलो फ्रेंड्स, कैमरा देख के हाथ हिला दे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड। जरा शर्म नहीं आती है, जरा सी शर्म नहीं आती है मुझे। मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग कर रही हो, ये क्या चाहती है? आप पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझ पर वाकई शक करते हैं? सीरियसली क्या मतलब, कल कुछ खाए हुए नशे वशे का आप मुझ पर शक करते हो यार? मतलब आप मुझसे कहते हो कि आप मुझ पर भरोसा करते हो 110%, लेकिन एक मैसेज सिर्फ जाना था, वो डिलीट करना था, आप मुझ पर शक कर रहे हो यार। वो मैसेज अजीब सा था ना, मैसेज अजीब सा था, सीरियसली जोजू मतलब अगर कभी मैं इस तरह का मैसेज करूंगी तो मैं आपको पागल बना सकती हूँ अच्छे से। नहीं अब नहीं बनूंगा। अच्छा तबीयत वगैरह कैसी है, क्या चल रहा है? अच्छा कैसा लगा प्रैंक बता दो सब्सक्राइबर्स को, मजा आया आपको प्रैंक में? वो क्या होता है, कौन सी परी थी? रानी परी शक्ति दे करी, रानी परी शक्ति दे करी। शर्म आनी चाहिए, अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ, मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। वैसे ही ना मीटर आउट हुआ है, क्योंकि मैं वैसे ही अपने लोगों से परेशान हूँ, काम करने वालों से, और आपने मजीद ना मेरा बस। मैंने सोचा मैं आपके दिमाग में जरा शक डाल दूं कि मम्मा मम्मा कोई भी नहीं है घर में,
तो आप जरा कुछ सोचे वोचे मेरे बारे में, मजे मजे की कुछ चीजें आपके जहन में आए, मजे मजे की खिचड़ी पकाए आप अपने जहन में। मैं कुछ नहीं सोचता, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, पता है मुझे आपको पूरा मुझ पे भरोसा है, सही बात है। जब अच्छा एक बात बताए, आप यही हरकत अगर मेरी तरफ से हो जाती मिल गया होता। मैं गला दबा दूंगी अगर कभी ऐसा हो, आपको पता है। चले ठीक है, आप तो आपने तो प्रैंक किया है ना, आज तो मैं पूरी रात अकेले सोऊंगा। मैं जान से मार दूंगी अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना। आप मतलब आज मैं पूरी रात बाहर भी घूम सकता हूँ। आप मुझे शराफत के दायरे में रात में लेना आ जाए। आपको बोलूंगा मैं सो रहा हूँ, मैं अब देखो क्या करता, आज देखना क्या होगा। शराफत के दायरे में ना मुझे लेने आ जाओ, मैं गला दबा दूंगी अगर मेरे सामने होते ना। ऐसे गला दबाती मेरी तरफ से एक हफ्ता और रुक जाए। देख लें आप लोग, देख लें आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना आप लोग। नहीं अब देखे, आपने मेरे साथ किया है ना, अभी आप याद रखिएगा, आप देखे क्या होता है, ऐसा होगा, मजा आएगा। मेरे साथ मेरी कौन, क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला, ओवर गला लगा दूंगी मैं ज्यादा फजूल बकवास की। तो मैं ऐसे प्रैंक कर रही थी आपको पता है, और सोचो मैं भी प्रैंक कर दूं और रियल हो जाए। पता चलेगा ना, जब रियल होगा तो पता चलेगा, फिर तो पता चल जाएगा आपको। मेरी मंजुलिका तो आपको पता है कैसी है, जानते हैं ना मेरे अंदर की मंजुलिका को। तो अभी आपने क्या करना है, सोना है यार? अब मुझे बहुत सारे काम है, कॉल करते अब तंग करके रख दिया आपने, टेंशन दे दी थी। अभी मुझे कॉन्ट्रैक्टर को फोन करना है, मुझे बहुत 3-4 लोगों को फोन करना है, कल का काम की वो करनी है, मैं परेशान हूँ, आप मुझे तंग नहीं किया करो यार ऐसे टाइम पे। चलो अभी आप काम वाम करो, मैं फिर व्लॉग को एंड करती हूँ, सही है ना? अल्लाह हाफिज़। चलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले जी, व्लॉग तो मेरा हो गया है, छोटा सा बनाया मैंने, लाइक मैं ज़्यादा प्रैंक नहीं कर पाई महात के साथ, क्योंकि महात मैं इस वजह से भी नहीं कर पाई क्योंकि महात ये प्रैंक थोड़ा सा सीरियस था, रिस्की भी था, और दूसरी चीज़ ये कि महात ऑलरेडी बहुत ना प्रेशर में अपने काम को लेकर ना, तो वो जो है ना वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है अगर मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे मामले में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अभी ये है कि अभी मैं करती हूँ व्लॉग को एंड, और भी अगर प्रैंक के आइडियाज़ हैं, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, आप लोग DM में मुझे बता रहे हो कि ये प्रैंक करें, ये प्रैंक करें, तो इंस्टा पे मुझे ज़रूर बताइएगा प्रैंक के आइडियाज़। मेरा इंस्टा है kirat_mahat_, तो जी आप लोगों ने मुझे लाजमी वहाँ पर फॉलो भी करना है, और यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर फॉलो करना है, और मुझे मज़े मज़े के प्रैंक आइडियाज़ देने हैं ताकि हम प्रैंक्स करें और आप लोग इंजॉय करें। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार करते रहें, अल्लाह हाफिज़।